Hello. अरे बाप रे आपको मीठी सी लगी <laughs> नहीं नहीं ये थोड़ी सॉलिड सी है मीठी बिल्कुल नहीं है और जैसे आप सबने देखा कि लक्ष्मी ने एक बहुत ही ना समझी में पीनट बटर खिला दिया है कार्तिक को उसे अटैक आया है बस मरते मरते बचा है और इस वजह से गायत्री मतलब मैं बहुत ही नाराज़ हूँ लक्ष्मी से और मैंने उसे सीधे सीधे कह दिया है कि मेरी रसोई में तू कदम नहीं रखेगी और ये बात काती को पता चल गई है तो वो मुझसे जवाब मांगने के लिए आया है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मेरे बेटे हो मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हो मतलब मैं मैं कुछ भी करूँ तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए ये मेरा एटीट्यूड है तो बस वो सवाल कर रहा है कि मैं मैं गुस्सा हूँ लक्ष्मी से कि ये बात उसके और मेरे बीच की थी कार्तिक तक कैसे पहुँचे तो वो चक्कर में मैं थोड़ी गुस्सा हूँ बट फाइनली कार्तिक से बहुत प्यार करती हूँ मैं वो मुझे मना ही लेता है तो मैं लक्ष्मी को परमिशन दे रही हूँ वापस एक बार किचन में एंटर करने के लिए mm -hmm. सीमा माँ होती है आ, और हर माँ को ऐसा लगता है कि मैं अपने बेटे को जितना प्यार करती हूँ उतना बीवी नहीं कर सकती ये तो जगरीत है आपकी मम्मा को भी यही लगता है मेरी मम्मा को भी यही लगता है तो हाँ कार्तिक ने फिर से एक बार मुझे रिमाइंड कराया है कि बचपन में मैंने उसे पोहा खिलाया था जिसमें पीनट था तो हिर से कि मम्मा अगर आपसे गलती हो सकती है तो एक चांस लक्ष्मी को मिलना चाहिए तो बस इसी बात पर मैं कन्विंस हुई हूँ आई होप कि लक्ष्मी ये गलती दोबारा ना करे और सॉरी ये तो आपने तो ऑलरेडी पूरा सीन ही बता दिया है सवाल यह है कि मैं लक्ष्मी को वापस एक्सेप्ट कर रही हूँ और किचन में एंट्री दिला रही हूँ और लेट्स सी आगे क्या होता है हमें ही नहीं पता अब तक हमारे एपिसोड्स नहीं आ रहे डे नाइट शूट करें मेरी आवाज़ देखो तबीयत ठीक नहीं है एक सौ दो बुखार में मैं शूट कर रही हूँ इवन वी डोंट हैव एनी आइडिया कि आगे स्टोरी में क्या हो रहा है सो यह Uh, दर्शकों ने बहुत बहुत प्यार दिया है अब तक um, हम लोग बड़े खुश हैं कि आप हमें पसंद कर रहे हैं सो कीप लविंग कीप वॉचिंग एस आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा हमें ज़रूरत रहेगी थैंक यू वेरी मच